उठ जा। ए, क्या सोच रहा है? उठ। ए, अरे उठ जा, योगासन क्या सो रहे हैं? यार सोना रहे, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। अरे सूर्य नमस्कार, सूर्य सो निकलने दे। ये निकला तो है सूरज। अरे वो लाइट है वो। यानी कहाँ कहाँ से आ जाते, पागल हो गए क्या सुबह सुबह? वही हम कहें यार, सूरज बड़ा छोटे हो गए। तो यार जिंदगी में पता नहीं किस मोड़ पर आ गए, साला ठेला चलाना पड़ रहा है यार। क्या यार, क्या जिंदगी हो गई है भाई, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अरे अरे गुड मॉर्निंग जीजा जी। बैठो बैठो। क्या इलायची जी, खाक गुड मॉर्निंग है। इलायची जी बताइए ना, सेठ जी ने क्या कहा यार? जीजा जी आप तो जानते हैं पापा जिद्दी हैं, इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं। लेकिन देखिए दिल के बुरे नहीं है, थोड़ा नाराज ही हैं बस। लेकिन कोई नहीं, आप चाय पीजिए। ओके, आपका बाप बहुत जिद्दी है इलायची जी। चुप रहिए, ये लीजिए। ओ, ये लो जीजा जी के हाथ पे छाला आने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे, मलम ले आती ना अपने साथ। चलिए लीजिए, दूसरे हाथ से पकड़िए। देखिए इलायची जी, फिलहाल हमारी पांडु किस्मत को मलम लगाने की जरूरत है। इलायची जी जो भी कर रहे हैं सब कुछ उल्टा हो रहा है यार। सेठ जी तो हमें अपना दुश्मन समझने लगे हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए जीजा जी, मुझे लगता है ना दादा दादी वाला एंगल जो है ना, वो पापा का दिल जरूर पिघलाएगा। अब हम वैसे भी हार क्यों माने, है ना? और अब आगे का प्लान सुनो, ठीक है? अरे इलायची के पापा, कद्दू की सब्जी और लो ना, तुम्हें तो बड़ी पसंद है। बिल्कुल भी स्वाद ना कद्दू में, ऐसा लग रहा है तूने नींद में बनाया कद्दू। बिल्कुल भी एकदम कहीं से भी कोई मजा ना आ रहा। इलायची के पापा याद है, कद्दू की सब्जी देख के ऐसे भागते थे जैसे सांड ने लाल कपड़ा देख लिया हो। कद्दू की सब्जी तो तुम्हें तब से पसंद आने लगी जब से पिंटू ने उसमें छौका लगाना शुरू किया है। अरे ऐसा भी क्या गुस्सा, भुला लो ना दोनों को। कोई फायदा नहीं है मम्मी, पापा तो जीजा जी की सारी अच्छाइयां भूल गए। इतने कम पैसों में ना अकेले सब कुछ संभालते थे जीजा जी, इतने मेहनती हैं वो। बहुत बड़ा दिल तोड़ा उसने मेरा, उस पे मुझे बहुत घमंड था मेरे सामने, लेकर मुंह खोल गया वो। और क्या था, कढ़ाई लेकर मेरे ऊपर फेंक के मारने वाला था। अरे दिल ही का मेरा भरोसा तोड़ दिया उसने मेरा। कितने प्यार से मैं उससे बात करता था। हाँ कभी कभी थोड़ा बहुत डांट डपट देता था। अरे नौकर था मेरा, खरी खोटी सुना दी तो क्या वो राशन पानी लेकर चलेगा मुझ पे? कोई ना आएगा इस घर में, बता दिया मैंने बस। जीजा देख, जीजी जो है मुझसे बहुत काम कराती है, मेरी शरीर को आदत ना है इतना काम करने की, मैं बता रहा हूँ पहले से। ज्यादा मेहनत करता हूँ तो मेरा बीपी बढ़ जाता है। बात कर, मेहनत की बात मत कर तू, जानता मेहनत कैसे कहते हैं? अरे मेहनत तो मेरे दादा और दादी किया करते थे। एक बार दादा जी बहुत तेज धूप में लू चल रही थी, उसमें जो है हाथ गाड़ी खींचते हुए ले जा रहे थे, दादी उनके साथ साथ चल रही थी, और दोनों बेचारे उस गर्मी में बेहोश हो गए, गिर पड़े। हाय हाय, तो पानी किसने पिलाया? भगवान ने। वो मिठाई वाले भगवान? अरे ना ऊपर वाले भगवान। हे भगवान, इतनी सी बात पे भगवान जी ने दोनों को परी बुला लिया? ना समझो, उल्टा ही बोलियो तू, कभी सीधी बात ना करेगी अच्छी। अरे ऊपर भगवान है, बारिश भी कर सकते। भगवान को तरस आया उन पे और उन्होंने ऐसे बारिश की, बारिश की बूंदें उनके मुंह में गिरी, तब जाके उन्हें होश आया। उसके बाद दादाजी ने हाथ गाड़ी उठाई, बहुत तेज दौड़े हाथ गाड़ी लेके, साथ साथ दादी भी दौड़ रही थी। आहा भगवान तेरी कृपा है, ईश्वर की महान कृपा थी उन पे। पापा पापा
चाय गर्मा गर्म। आजकल सिर्फ तू चाय पिलाने में लगी हुई है। देख, स्कूल में जो इम्तिहान है उसमें मैं नंबर ना दूंगा, स्कूल वाले देंगे। तो पढ़ाई छोड़कर सिर्फ चाय पिला रही है तू आजकल, है क्या यार पापा? अब आपको चाय भी नहीं पिला सकती हूँ। ना ना, क्यों ना पिला सकती? मैं यही सोच रहा था थोड़ी देर पहले कि बस अभी तू आ ही रही होगी चाय लेके। सच्ची पापा? और उसके बाद जो है टन टन का वही गाना बजेगा। हे भाई, जरा मजदूर को रास्ता दे। देख। देख। दिन से खाना नहीं खाया। ओ गॉड, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, रुको। एक बार रुक जा। इस टंटल ने मेरे घर में इतना ठूसा है कि अगर 3 महीने भी कुछ ना खाएगा तो कुछ ना होगा। चक्कर कहाँ से आ रहे हैं इसे? पापा, ठेला खींचना कोई मामूली बात नहीं होती है। अच्छा, और बाकी के जितने चांदनी चौक में ये ठेला मजदूर जो है ठेला खींच रहे हैं, ये क्या मंगल ग्रह से नीचे आए हैं जो ठेला खींच रहे हैं ऐसे? जीजाजी। अरे अभी देख, वो मिसेस पंचम आएगी ऐसे मटकी में पानी लेके। गुंगू। देख। गुंगू, मैं आ गई गुंगू। गुंगू, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी गुंगू। कुछ नहीं होने दूंगी तुमको गुंगू। उठा गुंगू, उठा। देख, अब ये टंटन के साथ साथ ना, हा हा हा, मिसेस पंचम भी बेहोश हो जाएंगी। अरे गुगु, गुगु, उठना ना गुगु। ए भगवान, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई, कितना बदल गया इंसान, बदल दी ये दुनिया पितल थी। ये देख, पता ना क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भगवान ऊपर से बारिश करेंगे और इन्हें पानी पिलाएंगे। देख ले, देखा, ये है इनका चमत्कार। चल मेरे साथ। क्यों? ना ना, मैं तुझे कुछ दिखाऊंगा। जरा पापा, पानी, टॉर्च, पानी, पानी। ये सेट कहाँ निकल गया? पापा, हम ऊपर क्यों आए? हम चलिए नीचे चलते हैं। अरे एक मिनट रुक तो, इधर आ। तुझे शायद पता ना है कि हमारी छत पे जो है भगवान प्रकट हुए हैं, उनके दर्शन ना करेगी तू? ना ना, तुझे दर्शन तो मैं कराऊंगा। वो दे। सेल्फी बेटा। पंचम और मिसेस पंचम के ऊपर ऐसे पानी छिड़कने से मैं फूल लाऊंगे आगे। मुझे तो पहले ही पता था कि मेरी छत पे भगवान अपनी कृपा बरसा रहे हैं, तो कौन से भगवान कृपा बरसा रहे हैं? ये देखो। पर पापा, आप भी तो बच्चों की तरह जिद कर रहे थे ना। अरे यार देखिए ना जीजाजी, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए और क्या कुछ नहीं किया है। देखो ना, भरी धूप में ठेला घसीट रहे हैं दादाजी की तरह। मुझे तो लगता है कि जीजाजी में एक तो दादाजी नजर आ रहे हैं ना। बात कर रही है बेकार की। मेरे दादाजी ऐसे भोगट चंद आए बचपन से जो है धन्ना सेठ थे। चांदी के खिलौनों से खेलते थे वो। ठेला क्या, उन्होंने जिंदगी में अपना जो है नाला ना खींचा। हमेशा नौकर रखे नाला खींचने के लिए। पर आपने झूठ बोला क्यों? क्यों क्या,
कोशिश करूंगी चिक 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 से बचने के लिए। मुझे क्या पता था लेकिन तू मेरी कहानी में जो है इसे घसीट लाएगी। मैं दो तीन दिन में मान जाता, ऐसा काम पे भी रख लेता, लेकिन मैं इस बात से नाराज हूँ कि उसने मेरे दादाजी को इसमें घसीटा है, इसलिए मैं इसे एक मिनट काम पे ना रखूंगा बस। अबे ओए टंटन, बारिश बंद हो गई है लेकिन मेरी गुस्से की बिजली कड़की ना तो तुम दोनों के ऊपर गिरेगी। निकलो यहाँ से। बिल्कुल मजा ही ना आ रहा है भाई साहब, थोड़ी हरी चटनी डालो इसमें। अबे तेरे को शर्म आती है कि नहीं? किस बात की शर्म? हरी चटनी कम खाने से क्या कृपा बरसेगी? देख पिंटू मेरे साथ। अरे एक मिनट शांत हो जाइए जीजा जी, आप लोग क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं और बेचारे पिंटू जी पे क्यों भड़क रहे हैं आप? उनकी क्या गलती? पूरा प्लान उल्टा पड़ गया, कुछ काम नहीं आ रहा है, लेकिन अब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। अरे आप मगीला बात तो सुन। नारा साहब जी, अब मैं नहीं सुनूंगा, आप तो आप गए। मेरी बात सुन मेरी। अरे क्या हो गया मंगे अंकल? ये तुम्हारे अंकल जी है ना, इसको जेल भिजवाने जा रही हूँ मैं। मतलब? नहीं नहीं मंगीलाल, तू क्या कर रही है? तू तो पिंकी जी का इतना अपना सगा हो रखा था, तू कैसे इतना अजनबी हो गया रे? अच्छा, अब जब आपने मुझे कुत्ता बना के पूरे चांदनी चौक में घुमाया, ना जाने कहाँ कहाँ नाक घुसने के लिए कहा, तब अपना पराया याद ना है? अब आपको जो बोलना है ह्यूमन राइट्स वाले के सामने बोलना, अब तो आप गए। नहीं मंगीलाल, ये ह्यूमन राइट्स की बात बार बार करके पिंकी जी को डरा मत, वो लोग बहुत सख्त होते तुझे पता है, और एक बार उनके हत्या आ गए ना तो बड़ा लंबा टाइम के लिए अंदर कर देंगे वो लोग। साहब जी, हम जैसे गरीबों के लिए ना वही सहारा है। ना ना, अब तो मैं जा रहा हूँ और आप गए जेल। मंगीलाल बात तो सुन। मिल गया आइडिया। भाई साहब, आपके पास कोई अच्छे लहंगे मिलेंगे? हाँ, अरे कैसी बात कर दी, एक से एक वैरायटी वाला लहंगा मिलेगा, मैं दिखा रही हूँ। तो दिखाइए। हाँ। ये देखो। हाँ, ये भाई साहब, स्वागत है आपका दुकान में। क्या दिखा दूं? रात दिखाई तो तेरे को देंगे दिन में तारे। कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं आप? हैं? कौन है आप? राम मानव अधिकार कमीशन का ऑफिसर हो रखा हूं मैं। रात तेरे खिलाफ शिकायत हो रखी, रात तूने अपने नौकर पंचम को नौकरी से निकाल दिया। उस टंटन राश का नाम पंचम हो रखा? अरे बेशरम आदमी, एक बात बता, अरे तू 2000 रुपए मासिक तनख्वाह पे लड़के को रखा हुआ? अरे गाली दे रहा, ताने दे रहा, जब उससे भी मन ना भरा तो नौकरी से निकाल दिया उसे, हैं? अरे ऐसा कैसा न्याय कर सकता तू? अरे पंचम को नौकरी पे दोबारा रख ले, वरना नौकर के साथ दुर्व्यवहार के चक्कर में जेल भिजवा दूंगा तने। अरे ऐसे कैसे जेल में डाल देंगे आप? बात कर रहे हैं बेकार की, मेरी मर्जी, मुझे अपनी दुकान में कोई आदमी पसंद ना है तो मैं उसे निकाल सकता हूँ। बात कर रहे हैं आप भी? आप सही कह रहे, उसे काम पे रखने के लिए हम आपको मजबूर तो नहीं कर सकते। देखा, लेकिन आप जेल तो जरूर जाओगे। अरे आप क्यों बोल रही हैं? मैंने आपको अच्छे वाले लहंगे दिखाए हैं ना। क्योंकि मैं मानव अधिकार कमीशन की हेड हूँ। ओह गॉड, क्या होगा? एक मिनट, आप कौन सी ब्रांच से हैं? आपसे पहले मुलाकात तो नहीं हुई है? मैडम जी, वो नया नया ही लगा हूँ, आपसे मुलाकात ना हुई होगी। मिस्टर मुरारी, हमारे ऑफिसर की बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि आपने आपके नौकर पे बहुत जुल्म किया है। मैं अभी आपके गिरफ्तारी की ऑर्डर निकालती हूँ। आपने उसे बिना वजह नौकरी से निकाल दिया, उसकी जिंदगी खराब कर दी। आप जैसों को आपकी सजा मिलनी चाहिए। दरअसल क्या है कि हमारा नाम ही पंचम है और हमारे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। ये हमारे सेठ जी और बहुत भले मानुस है, हमारी गलती के कारण इन्होंने हमें काम से बाहर निकाल दिया। प्लीज
इन्हें छोड़ दीजिए। और वो क्या है कि ये सारा ढोंग हमने इसलिए रचा क्योंकि हम इनके साथ नौकरी पे दोबारा काम करना चाहते थे। शेम ऑन यू, अपने ही मालिक को फंसाते हो। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपका नौकर इतना झूठा है। मैं चलती हूँ। सॉरी सर जी, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। करूंगा, जरूर करूंगा। सच्चे? लेकिन अभी ना, मुझे धोखा देने का जुर्म है, जब तू 5 साल की सजा काट के आएगा वापस तब। चल मैं तुझे जिसकी आवाज मुझे बिल्कुल पसंद ना है। दरोगा जी। हाँ जी। इसे जेल में डाल दो। बिलाल इसने किया क्या है? ये मुझे झूठे कैसे फंसवाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए सरकारी कर्मचारी बन के आया मेरी दुकान में। बताओ बता, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बोल। भला झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं? सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, दरअसल बात क्या है ना, वो तो आपसे माफी मांग रहे थे लेकिन आप माफी दे ना रहे थे। तो क्या मैं, मतलब मेरा गला दबा के माफी मांगेगा मुझसे? अच्छा शान, आप चिंता मत करो, आप जाओ, इसे छोड़ दो। जाओ दरोगा जी, देख लो। शान पहले जाओ, ठंडा पानी पीना जाके। सेठ जी। पिंकी अंकल। हाँ जी। देखिए जीजा जी की कोई गलती नहीं है, ये सब ना मेरे कहने पे किया है जीजा जी ने। क्या? तुम मेरी गलती की सजा इन्हें मत दीजिए, प्लीज 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 पिंकी अंकल प्लीज। ठीक है फिर, ऐसा में ना पिंकी जी के पास बस एक ही सुझाव है इनके लिए। क्या दरोगा साहब? सीधे आगरे की टिकट कटा लो, दिल्ली में दोबारा मत दिखना। और सेठ जी को पिंकी जी समझा लेंगे। और रही बात पिंकी जी की ड्यूटी और फर्ज की, तो ठीक है पिंकी जी थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेंगे। मतलब क्या है कि तुम दोनों को भागने का मौका दे रही है। और सुनो, दोबारा अगर दिल्ली में दिख गए तुम दोनों तो लंबे टाइम के लिए अंदर कर देंगे पिंकी जी। समझ में आ रही है? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चलो बंद करिए आंखें। पिंटू सामान बांध। सेठ जी अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा।